अजय भाई आजे तोप मगाओ, आजे बड़ा कथा से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। मुझे आजकल कोई पूछ नहीं रहा है फिर से, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आई एम स्टूपेंड फैंटास्टिकली फैंटास्टिकली अमेजिंग। एंड अभी रात के कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं और देखते हैं कि इधर डैड क्या करते हैं, कर रहे हैं। पूछते हैं, हाय हाय डैड, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? बस वेट कर रहा हूँ, खाना खा के रेस्टोरेंट पे पेंट करना है, नाइट में काम है। ओके, आज लंबी ड्यूटी लगने वाली है। यस 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 यस, सही है सही है। चलिए तो फिर अभी देखते हैं कि मॉम क्या कर रही है। इधर से किचन, रसोड़ा में जाते हुए ये अंजना थान की। हाय हाय, केम छो? मौज मौज। શું કરો છો? રોટલા, બાજરા ના રોટલા કે જોવાર ના? બાજરા જોવાર મિક્સ રોટલા। અરે વાહ, યે દેખિયે, યે ઇધર લોટ છાર રહે હૈ ઓર ઇધર યે થાવડી હૈ ઓર ઇધર રોટી, સૂકી રોટી કી સબ્જી બનને વાલી હૈ। અરે વાહ, चाय रेडी हो चुकी है। आज फिर से उथल पुथल मेनू है यहाँ पे। चाय, गरम चाय एकदम। यस, और तावड़ी गरम। और ज्यादा मैंने आनाकानी की तो मॉम का मगज भी गरम। मॉम आई लव यू। और ये गर्मा गर्मी के बीच में एक बात सुनिए। यस, आज कुछ स्पेशल आने वाला है। क्या आने वाला है स्पेशल बताइए? मो कुछ तो आने वाला है, तो बस ऐसे ही बने रहे हमारे साथ बने रहे। आज हम कुछ धींगा मस्ती करने वाले yes। तो आपको भी साथ में लेके चलेंगे, तो एंड तक वीडियो देखना। ये मेरी बहुत सी प्यारी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप हुए। ओके सॉरी, ओके बाय। इधर मस्त ऐसे गोल मटोल रोटले बन रहे हैं। हाय मॉम, वापस आ गई मैं। रोटला किस किस को पसंद है? मुझे किसके साथ खाएगी? मुझे आलू के सब्जी के साथ पसंद है। मुझे ओरा मतलब चल जाता है। अच्छा, हाँ, इसे लाइक डिसलाइक वाला नहीं है, बट इट्स ओके। बट अगर आलू की सब्जी और साथ में लहसुन वाली चटनी है तो आहा, भूख लगेगी, मोडम पानी आ गया। शे अभी हमने देख लिया कि मॉम क्या कर रही है। अभी मैं आपको इधर दिखाती हूँ इधर क्या हो रहा है। इधर ये जो झूला है ना कान्हा जी का, वो प्रिपेयर हो रहा है। ये जो रिबन है उससे पूरा ये जो ये फोकस हो जाए। यस, तो ये पूरा रैप कर रही हूँ मैं ऐसे। सारी पूरी मेरी ही अपनी खुद की मेहनत है। आई एम पोते जिसने ये किया है। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है कि 30 अगस्त को ना, 30 तारीख है ना, तो तब के लिए अभी से शुरू करेंगे, तभी जाके होगा। वरना फिर एंड मोमेंट पे ना फिर ऐसे धींगाना हो जाता है ऐसे। आ नहीं थी, ओलू नहीं थी, कृष्णा तो कोई करती नहीं। ताए मा मारे क्या क्या पहुंचू एम कौन किए आ मानस। सारी माए ऐसे ही बोलती। आई नो, एंड मोमेंट पे जब भी कुछ होता है ना तो सीधा बच्चों पे जाता है। कनुड़ा तू कहीं मत कर दी। देख तो मेरा रोटला देख। ओ वाओ, जबरदस्त। जल्दी जल्दी बना। चूल्हा भी रखा है हम लोगों ने, विंटर आ गया तो चूल्हे पे रोटी बना। यस, चूल्हा में अभी आपको इधर बाहर से दिखा देती हूँ, वो है हमारा चूल्हा। बट अभी गर्मी ना कुछ ज्यादा ही है, तो ऐसे चूल्हे के साथ हम भी पक जाएंगे वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। अभी भी गर्मी हो रही है इधर। कौन दिखाएगा आप सबको, है ना? इसलिए एंटरटेन कौन करेगा आपको, तो इसलिए हम अंदर कर रहे हैं। बाकी अभी ठंडी आ जाएगी सितंबर तक, ऐसा प्रे कर रहे हैं। एक महीने के लिए ठंडी आएगी। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज्यादा नहीं आती है और बारिश तो बहुत कम, 2-3 दिन बरस में बारिश आ जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इतने खुश हो जाते हैं ना, पूरे लोग ऐसे बोलते हैं, लाइक ऐसा बोलते होंगे कि जब भी इधर यूएई में बारिश होती है ना, हर कोई बारिश देख के ना ऐसा पागल हो जाता है। हाँ, पगला जाते हैं हम। तो हमें 8 महीना गर्मी रहती है। यस, और
चार महीना में कभी कभी बारिश और कभी 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 अगर हम लकी रहे तो तब क्या होता है कि बारिश देख के ना पूरा ऐसे हो जाता है कि वाह बारिश, तो सब लोग की स्टोरी में वही होता है हर जगह, व्हाट्सएप देखो, इंस्टाग्राम देखो, स्नैपचैट देखो। तो अगर आप कुछ किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो आपको लग रहा होगा ये देखो ये क्या बारिश देख के पागल हो रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझिए आप, है ना वो? Yes. बारिश ऐसे बहुत कम देखने को मिलती है ना, तब उसकी वैल्यू होती है, तो इसीलिए प्लीज बारिश जल्दी आ जाओ। अब जल्दी अब तू खाना उधर ले वरना तेरी वैल्यू का पता चल जाएगा। बेइज्जती हो गई आज की, चलिए ओके बाय। लो भैया पिताजी खाने बैठ गए हैं। आओ आओ बदारो बटेटन साग दही ने रोटलो खाओ 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 खाओ। और मैं आ गया हूँ वापस। કેમ છો મિત્રો, બધા તમે મજામાં? તો ઠીક, આજો આજો સુકી રોટી, બંદૂકનો જોટો, મારા મમ્મીનો સોટો, કિલર જ હોય, બંદૂક નથી ને કે ભડાકા કરવા તા આજે એ દેખે रोटली ने साग, मतलब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो बहन के लिए रोटली ने वगैरह ली है और पापा के लिए रोटला है और मेरे लिए वो गुवार का साग का तड़का हो रहा है, तो सबके लिए कर रहे हैं ना। तेम सिक्को तो वाला तारो हो आज बाजू ना बावन काम बंद कराओ। वाह वाह वाह, तारीफ सुन के तो हम ऐसे फूल के फड़का हो गया। व्हाट इज फड़का? व्हाट लेवल दैट वी गो पूछना। ओ बोली कि भाई कोहिनूर मत बोलो, हम भी फूल के फाड़। हां भाई देवल गढ़ी हमको बताओ कि फूल के फाड़का क्या होता है। नहीं हमारी भाषा की यही अच्छी बात है कि कुछ का मीनिंग ही नहीं होता लेकिन मीनिंग होता है ऐसा है। तो फूल के फाड़का में मतलब तुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ? तो ऐसा हमारे गुजराती में कहावत है कि अक्कल मोटी के भैंस, मतलब वो गुजराती में होता है, हिंदी में होता है अक्कल बड़ी के भैंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, या पकड़ दो कैमरा। ये देखिए ये अक्कल है, ये 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 अक्कल है, इससे भी ये साइज की है, ये साइज की है। हाँ। और ये होती है भैंस। भैंस ऐसे बोलती है? ये कौन सी भैंस है? तो आप बताइए मित्रों कि अक्कल बड़ी होती है कि भैंस? मेरे हिसाब से भैंस बड़ी होती है। अक्कल तो छोटी है ना, भैंस बड़ी होती है, जगह भी ज्यादा रोकती है। भाई भैंस केम बोले? वाह बकरी नहीं है वो, तो भैंस केम बोले? ये तो मने ही लग। हां देख खुद को पता नहीं है, दूसरों को पता है तो मना कर। हां एम ज बोले भैंस, आवड़ा आवड़ा दांत होई। भैंस भैंस रण के। हां व्हाटएवर, आप बताइए कि अक्कल मोटी के भैंस? भाई देखिए ये मित्रों, इनको देखिए। अजय भाई आजे तोप मगाओ, आजे भड़ा का था से हुकाम था से, ये देखिए। चश्मे के ऊपर लुंगी डाउन से लुंगी डाउन से गाइस
कैसा लगा मेरा भाई? ये मम्मी ऐसा सब चीज में हमको साथ देती है, इसलिए थैंक यू मॉम। यस थैंक यू एवरीवन। मुझे तो डबल जोटो फुट से भाई, क्योंकि मम्मी ये जोरदार इन्होंने डांस किया है। गजब है, नेक्स्ट लेवल लूंगी डांस। ये देखिए वेस्ट इंडीज रिटर्न। वेस्ट इंडीज वालों को क्या किया, और डव साबुन से नहला दिया तो व्हाइट हो गई है, लेकिन बाल ऐसे ही रह गए देखिए। तो अभी गुड नाइट बोलने का टाइम है कि बाकी है? गुजरात। ओके बाय द वे, मम्मी ने कल बोला था, मम्मी ने कल पूछा था वो टैटू के बारे में, तो ले चल भाई। सबने सही जवाब दिया है, ये अंजना है। अरे वाह, ये माँ का लाडला है, ये माँ का लाडला है, माँ का लाडला। मैं तो दिखती नहीं, माँ देखाती ही नहीं। और ये विंग है, ये विंग बनाने में मेरी हालत पतली हो गई थी, और ये मुझे सरप्राइज दिया था आके। हाँ मम्मी रोई भी थी जिस दिन मैं ऐसे बोल के गया था कि भाई ये विंग बनाने वालों ये नहीं बताऊंगा। हाँ। इनको भरोसा था कि उल्टा सीधा तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए फिर आके दिखाया तो उनकी आंखें फट के, वो क्या हो गया था, फाड़का फाड़का। इसलिए तो इसलिए वो प्राउड थी, इसीलिए नहीं रोई थी कि मेरा नाम इसके हाथ में कैसे लिख लिया है। इसलिए रो रही थी वो, है ना भाई। धुआं निकल रहा है इधर से देखो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मित्रों। जय हिंद। और क्या करना था, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे जैसा डांस करते रहो। अभी टैलेंट का सिर्फ शुरुआत ही हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताएगा, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए और आएगा। गुड नाइट, बाय।